स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम लोग पैरिटी ऑपरेटर को कर रहे थे और मैंने जैसा कि बताया एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है पैरिटी ऑपरेटर से रिलेटेड जिसको हमें करना है। तो आज लेक्चर में हम एक वेरी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम सीखेंगे भी और समझेंगे भी और उसको पूरा प्रूफ करके देखेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है ना, इसका जो प्रायोगिक प्रकार से अनुप्रयोग है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी आपके उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या कह रहा है इसको आप देखिए, ये कह रहा है कि सममित विभव क्षेत्र के लिए सिद्ध कीजिए कि हैमिल्टनी संकारक तथा समता संकारक परस्पर क्रम विनिमय करते हैं। पैरिटी ऑपरेटर कम्यूट्स विद हैमिल्टोनियन इफ पोटेंशियली सिमेट्रिक। तो देखो आपको चीज क्या करनी है, आपके पास दो ऑपरेटर है, एक तो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एक है आपके पास पैरिटी ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, आप लोगों ने लिख रखा है पी स्क्वायर। अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं तो पी स्क्वायर एक्स अपॉन टू एम प्लस बी एक्स। थ्री डायमेंशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एम और पी का हो जाएगा आपके एच को स्क्वायर डी टू साई अपॉन बी एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो, पी ऑपरेटर को माइनस एच को स्क्वायर ग्रेडियंट स्क्वायर। तो ये आपके हैमिल्टोनियन है और ये क्या है पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर आपको क्या दे रहे हैं हैमिल्टोनियन दे रहे हैं और ये बी तो क्या है सिंपली आपका पैरिटी ऑपरेटर है। तो ये आपको कह रहा है कि ये दोनों क्या करते हैं आपस में कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब क्या हो जाएगा एच पी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ऐसे ही कम्यूट नहीं करते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका ये विभव है वी एक्स वो कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। अगर सममित है तब आप ये कम्यूट करेंगे और सममित का मतलब क्या होता है कि अगर आप v ऑफ माइनस एक्स निकालो तो वो वापिस आपको क्या मिल जाएगा वी एक्स मिल जाएगा। तो ये होती है सममितता की शर्त, ठीक है। तो ये अगर फॉलो हो रहा है तब आपके ये होगा। तो आप चीज समझिए आपको करना कैसे है, क्या क्या दे रखा है, हैमिल्टोनियन संकारक और समता संकारक के बारे में बात की जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि विभव सममित है तो उस स्थिति में हैमिल्टोनियन संकारक और पी यानी पैरिटी ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। तो ये आपको सिद्ध करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आप करते हैं स्टार्ट, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए इसको, इसको करते हैं प्रूफ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो लिख सकते हो कि गिवन क्या आपको, गिवन गिवन आपको क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हो यदि विभव सममित हो तब क्या लिख सकते हो आप v ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन। ये अगर सममित है तो ये कंडीशन आप लिख सकते हो। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि h कम्यूट्स विद p, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है, विद दिस। तो if potentially symmetric then v of minus is equal to vx and we want to solve hp is equal to 0। तो ये आपको पता है, अब बस शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं और जहां पर आप लिख सकते हो जहां h is equal to px square upon 2m plus vx, ये आपको पता है। और p क्या है, p है आपका पैरिटी ऑपरेटर और अब साथ में इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए p ऑफ साई एक्स इक्वल टू साई ऑफ माइनस एक्स। ये सब चीजें आप क्या डेरिवेशन को हमेशा इतने अच्छे से लिखिए कि हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो नाउ अब हम क्या करेंगे एच पी, इसको सिद्ध करने के लिए साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं साई एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा आपका एच पी माइनस पी एच साई। तो चलो एच पी साई माइनस पी एच साई, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा इधर, एच का मान क्या आपको पता है, एच का मान है आपका पी एच स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी एक्स और ये आपका है पी ऑपरेटर और ये साई। फिर इसी प्रकार से ये आपका है पी ऑपरेटर और अंदर ये सब ऑपरेटर याद रखिए, बी एक्स भी क्या ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ठीक है।
सब ऑपरेटर है, तो एच क्या हो जाएगा इधर पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी एक्स और इधर ही साइन। तो ऑपरेट करने स्टार्ट करते हैं, ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस पर पी ऑपरेट हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से ये पहले पी साइन का ऑपरेट होगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस पर ये ऑपरेट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको था एलईडी रखिए एक बार और पी साइपर ऑपरेट होगा, तो ये देखिए जब पी साइपर ऑपरेट होगा, अब यहां कंफ्यूज होती है, कैपिटल पी आपका पैरिटी ऑपरेटर है और स्मॉल पी आपका क्या है मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये पी साइपर ऑपरेट होगा, क्या देगा साई ऑफ माइनस एक्स, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा साई ऑफ माइनस एक्स। उसी प्रकार से ये पी एक बार एलईडी रख दीजिए और ये इस पर ऑपरेट होगा, तो क्या देगा आपको इस पी एक्स का मान क्या होता है, ये जो आपका पी एक्स इसका मान होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए माइनस आई एच क्रॉस और इसका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर वापिस माइनस, तो ये देखिए डेल बाई डेल एक्स है, ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका पी एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल चीजें आप ध्यान दें, तो माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर और इस साई से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साई के साथ प्लस वी एक्स। वी एक्स आपको पता है जिस प्रकार से एक्स ऑपरेटर आपका किस साइपर ऑपरेटर होता है, सिंपली आपको एक्स आई देता है, उसी प्रकार से वी एक्स जब साइपर ऑपरेटर होगा ऑपरेटर रूप में तो वो भी आपको वी एक्स आई ही देगा, याद रखिए बस वी भी उसी प्रकार से ऑपरेट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स ही है, और कोई भी एक्स का फंक्शन है उसकी कोरस्पॉन्डिंग अगर आप कोई ऑपरेटर लेते हो तो वो केवल उससे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा वी ऑफ साइन, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर देता हूं इसको, अब देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से नोट करना है, हमेशा की तरह जब मैं लिख रहा होता हूं तो आप साथ साथ पॉज करके लिख लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से अगर नहीं भी आए तो दूसरी बार तीसरी बार सुन लीजिए, नहीं समझ में आए ऐसी स्थिति तो शायद ही कभी बनेगी, किसी भी स्थिति में नहीं बन सकती। हाँ आप खुद अगर चाहो कि मुझे समझ नहीं है तब अलग बात है, अदरवाइज नहीं समझने वाली स्थिति किसी भी लेवल पर आपके बनेगी नहीं, क्योंकि एक एक चीज को मैं लिख कर चुका हूं हर चीज को। तो चलो अब ये पूरा ऑपरेटर, अब ये फलन बन चुका है, इस पर ऑपरेट होगा, तो चलो करते हैं इसको मैं एक बार लिख देता हूं, देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और साई ऑफ माइनस एक बार मैंने इस ऑपरेटर को लिख दिया, और ये अब ये देखो ये पी इस पर भी ऑपरेट होगा इस पर भी ऑपरेट होगा, तो चलो करते हैं ये प्री ऑपरेट हो गया आपके एक बार माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एक बार ऑपरेट हो गया आपके वी एक्स और साई एक्स, बस एक एक स्टेप आप लिखते रहिए। चलो अब ये इस पर ऑपरेट करा दीजिए, तो माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ माइनस एक्स प्लस वी एक्स साई ऑफ माइनस एक्स, सिंपली हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस ये पी जब भी ऑपरेट होगा तो जिस फलन पर ऑपरेट हो रहा है जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप माइनस एक्स कर दीजिए, तो एक तो यहां पर एक्स है और एक यहां पर एक्स है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस करोगे तो वापिस वो प्लस ही बन जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ माइनस एक्स। फिर ये माइनस वी एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा माइनस वी एक्स में और साई हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये आ गया। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, देखो एक्स क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई ऑफ माइनस एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई ऑफ माइनस एक्स, लेकिन यह प्लस है या माइनस है तो ये एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा वी एक्स साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वी ऑफ माइनस एक्स साई ऑफ माइनस एक्स, यहां तक आ गए। अब याद कीजिए हमने शुरू में लिखा था, जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी शुरुआत में हमने क्या लिखा था कि यदि पोटेंशियल सममित है तो आप जानते हो चूंकि विभव सममित है, या ऐसे लिखिए यदि कंडीशन ना कि यदि विभव सममित है तो v ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स, तो देखो फिर आप कह सकते हो अतः
इस स्थिति में जो आप एक्सप्रेशन निकाल रहे थे किसका, एच और पी का, जिसमें आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, वी ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस वी ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। अब वी ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख दो, वी एक्स, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये आपके किसका मान आ गया, ये मान आ गया एच पी कम्यूटेटर का मान आ गया जीरो। किस स्थिति में, इस स्थिति में, अभी आपको प्रूफ करना था, तो मैंने कंप्लीटली लिख करके दिखाया है। और ये प्रैक्टिस आप हमेशा रखिए, ऑपरेटर किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है वो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा फलन है, मैंने कितने न्यूमेरिकल संदर्भ में आपको करवा दिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, और ऑपरेटर किस क्रम में ऑपरेट होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें ध्यान रखिए, कोई भी स्टेप को आप रटने का प्रयास मत कीजिए, जहां कहीं भी आपने रटने का सोचा वहां आपका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, और जो मार्क्स आने चाहिए फिर वो नहीं आएंगे। अगर आपने एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ा तो आप मान के चलिए कि बीएससी के एग्जाम का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने शब्द काम लिया है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप ना कर पाओ। और याद करने में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजों को अगर आपने समझ लिया, एक बार थोड़ा सा दिमाग पर आपके प्रेशर रहेगा हल्का सा फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन को हमने कंप्लीट कर लिया, तो यहां पर हमारा पैरेलली ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।